हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जनरल कंपटीशन मैथ। आज 9 अगस्त 2021 थर्ड शिफ्ट का सीएचएसएल एग्जाम का एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर देखिए, फर्स्ट सभी क्वेश्चंस आपका रियल क्वेश्चंस और जेन्युइन होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि वे सारे क्वेश्चंस गगन सर के पीडीएफ से हम करा रहे हैं। टोटल का टोटल क्वेश्चंस, एक का क्वेश्चंस विथ डाटा आपको करेक्ट रहेगा। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट देखिए, साइन थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1/2। थीटा का मान 0 to 90 के बीच है, तो थीटा क्या है? क्वेश्चंस नंबरिंग में जहां तहां हो सकता है, लेकिन टोटल क्वेश्चंस आपका गगन सर के पीडीएफ से मिल जाएगा। तो वहीं से हम क्वेश्चंस लिए हैं। ये इसका सॉल्यूशन देखिए, आप यहाँ पर थ्री थीटा के जगह पर क्या रख दीजिए, ए समझने के लिए, और थीटा के जगह पर बी रख दीजिए। तो यहाँ पर एक रूल होता है, फॉर्मूला होता है सिर्फ, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। तो साइन ए माइनस बी, तो ए के जगह पर हमने कितना रखा है, थ्री थीटा, माइनस यहाँ पर बी के जगह क्या रखा है, तो थीटा। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे, अब इसे हम बना रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये हमने समझाने के लिए आपको लिखा, इसे बनाएंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लेगा, यानी कि क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, थ्री थीटा माइनस थीटा बराबर कितना दिया प्रश्न में, 1/2। थ्री थीटा माइनस 1 थीटा तो 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2। और साइन किसका मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का। साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी कि 2 थीटा की जगह पर कितना है, 30 डिग्री। 2 थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर कितना होगा, 15 डिग्री। 2 थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हुआ, 15 डिग्री। यही आपके प्रश्न में पूछा गया था। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट का आंसर कितना हुआ, 15 डिग्री। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस नंबर सेकंड, यदि साइन ए बराबर 9/41 हो तो कॉट ए का मान बताइए। ये भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए आप 9/41/41 का ट्रिपलेट जानते होंगे, या इस प्रकार से ट्रायंगल भी ड्रा करके बना सकते हैं कि यहाँ पर हमने ए दे दिया, यहाँ पर बी दे दिया, यहाँ सी दे दिया, बी को 90 डिग्री रखें। तो साइन ए आपके प्रश्न में कितना दिया है, 9/41। तो साइन का मतलब होता है ये भोला भुजा, जो इसके सामने वाला भुजा है, ये लंब हो गया इस भुजा के लिए, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो पी बटा एच होता है, यानी कि पी आपका नाव है, एच आपका 41 है, तो यहाँ पर से बी निकाल सकते हैं, वाई फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके, तो ये आपका आ जाएगा 40। यानी कि आपका पी कितना है, पी दिखना चाहिए डायरेक्ट, यानी कि पी आपका नाव है, और बी कितना है, बी आपने निकाल लिया 40 हो गया, यानी कि 40 हो गया, और एच कितना है, 41 है। अब जो पूछे, कोई भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें से एक दिया है, तो आप पांचों को निकाल सकते हैं। कॉटे पूछ रहा है, तो कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, तो देखिए बेस आपका है कितना, 40, और परपेंडिकुलर कितना है, 9, यानी कि 40/9 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है जिसमें a + b + c > 0 है, दैट मींस पॉजिटिव नंबर है, तो आपको इसका मान बताना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, a प्लस बी प्लस सी का आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर से इसका मान आपके प्रश्न में 576 दिया गया है, प्लस इतना का मान हमने लिखा 576, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान देखिए दिया है 50। तो 576 में हम 50 जोड़ देंगे, 50 × 100 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 676। और स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर था, यानी कि स्क्वायर उस तरफ भेज रहे हैं, तो रूट अंडर 676। 676 किसका वर्गमूल होता है, तो 26 का होता है, डेट मीन्स a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया, 26। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि x प्लस 1/x बराबर अगर जो k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, k का स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ q है, लेकिन q है तो क्या करेंगे, x क्यू प्लस 1/x क्यू का फॉर्मूला होता है, k का q माइनस 3 गुना k।
तो यहाँ पर डायरेक्ट आप बना सकते हैं 5 का क्यूब -3 × 5 यानी कि 125 में से 15 घटाइएगा तो 110 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या इसका डिटेल में बनाइएगा तो दोनों तरफ आप क्यू कर देंगे, इधर भी क्यू करेंगे इधर भी क्यू करेंगे और आप आंसर पाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला में रखने के बाद 110 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 के बाद 5। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 और 6 दोनों ही क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का है 5 नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपको रूल पता होगा, a पर पावर n प्लस b पर पावर n रहता है और n आपका अगर जो ऑड है तो ये हमेशा इसका एक फैक्टर होता है, a प्लस b से हमेशा ये विभाजित होता है तो इसका एक फैक्टर a प्लस b होता है, ये फिक्स है और इधर कुछ भी रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे n के जगह ऑड है, ऑड कहने का मतलब n का मान 1 रख सकते हैं, 1 के बाद 3 रख सकते हैं, 3 के बाद 5 रख सकते हैं, इसी प्रकार से। तो n का मान 1 रखेंगे तो यही हो जाएगा, n के मान 3 रखेंगे तो a क्यू प्लस b क्यू होगा। तो इसका पहला फैक्टर तो a प्लस b होता है और दूसरा फैक्टर आपको पता होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस से भी होता है तो हमें सिर्फ पहला फैक्टर से मतलब रखना है। उसी प्रकार से a5 प्लस b5 का एक फैक्टर तो a प्लस b होगा और अगला फैक्टर जो भी होगा होगा, यानी कि a पे पावर n प्लस b पे पावर n जो रहता है वो आपका a प्लस b से हमेशा डिविजिबल होता है। दैट मींस यहां पर 31 प्लस 43 जो होगा आपका 37 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर से और यहां पर कुछ भी रहेगा तो यहां पर देखिए 31 और 43 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 74 हो जाता है। तो 74 और यहाँ पर गुना में यहाँ पर कुछ भी रहे इसको आप 37 से भाग दीजिए तो ये तो पूरा पूरी लग जाएगा, 37 × 74 होता है, कट जाएगा ना, तो आपका यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना होगा 0। 37 × 74 पूरा पूरी इस प्रकार से 37 में आप भाग लगाइएगा 74 से तो पूरा पूरी लग जाएगा भाग, यानी कि शेषफल 0 आ रहा है तो हमने 0 लिखा और 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0 और 0 में आप 37 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 0 में 37 से भाग लगाएगा तो आपका शेषफल कितना होगा 0। 0 बटा कुछ भी 0 होता है आपको पहले से ऑलरेडी मालूम होगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां भी आपका एक फार्मूला यूज होगा, यहां लिख देते हैं वो फार्मूला। जैसे फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। तो यहां से दो रिजल्ट निकलता है। पहला रिजल्ट एक नंबर में कि a प्लस b बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, a प्लस b बराबर तो हो जाएगा ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस है तो प्लस 4ab। उसी प्रकार से दूसरा रिजल्ट a माइनस b बराबर होगा रूट अंडर a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा माइनस 4ab। ये इसी से हमने निकाल कर लिखा है। तो यहाँ पर आपका a प्लस b दिया है, a गुना b दिया है, a माइनस b पूछ रहा है तो डायरेक्ट 3x - y बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3x + y का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, जैसे यहाँ माइनस था तो माइनस यहाँ लिखा, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लिखा। उसी प्रकार से यहाँ करना है 3x - y बराबर रूट अंडर 3x + y का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस और क्या होता है 4ab। तो यहाँ पर 4a के जगह पर 3x और b के जगह पर y। अब इसे बना दीजिए तो ये आपका मान कितना है 12, तो हो जाएगा ये आपका 12 का स्क्वायर और माइनस ये चलती है 12xy, मतलब 4 × 3 × xy का मान कितना है 9। तो एक स्टेप और है, यहाँ पर से 144 होगा और चलती है 12 नामा कितना हो जाएगा 108, 144 में से 108 घटाइएगा तो 36 होगा और इसका मान प्लस माइनस 6 होगा। अगर ऑप्शन में प्लस 6 है तो प्लस 6 आंसर होगा, माइनस 6 है तो माइनस 6 होगा, अगर जो दोनों है प्लस माइनस 6 तो ये आंसर होगा। 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहले 19 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है, तो 20वीं संख्या बताइए। इस प्रकार से हमने आपका लैंग्वेज लिख दिया। इसका मेथड फर्स्ट देखिए, जो भी संख्या आपसे पूछा जा रहा है 20वीं संख्या उसका औसत निकाल रहे हैं तो 38 प्लस यहाँ पर देखिए 4 कम है, यानी कि 19 × 76 यानी कि 76 आपका ये प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ आपका कितना 10 ज्यादा है तो 9 × 10 = 90 यानी कि 90 माइनस में हो जाएगा। अब ये आपका कितना पर हो रहा है तो टोटल 1 पर हो रहा है तो बताइए इसे हल कर लीजिए, 76 में से 19 90 पहले घटाइए तो 76 × 4 = 80 = 10 = 90 यानी कि 14, तो 38 − 14 होगा तो 38 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 में से 4 यानी कि 24 आपके प्रश्न का आंसर होगा। इसका बेसिक मेथड क्या कहता है, बेसिक भी आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए
29 गुना 38 करेंगे माइनस ये दोनों का गुणनफल का योगफल करेंगे, दैट मींस 19 गुना 34 प्लस ये 9 गुना 48 ये करते हैं और बटा 1 करते हैं। ये आपका तरीका होता है बेसिक, इससे भी आपका आंसर 24 ही आना चाहिए। देखिए 29 गुना 38 कर देते हैं तो 8 नवा ये 29 लिखा है तो 8 नवा 72 के 2 बाकी 7, 9 किया 27 और 8 दूनी 16, तो 16 और 27 कितना होता है ये जोड़ लीजिए 7 6 13 2 3 यानी 43। तो फिर से देख लेते हैं 8 दूनी 8 नवा 72 के 2 बाकी 7, 9 किया 27 और 8 दूनी 16, 27 16 को जोड़ेंगे तो 43 हुआ, 43 में बाकी 7 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 का 0 लिखेंगे बाकी 5, ये आपका 3 दूनी 6 5 11 होगा। अब यहां से देखिए माइनस ये 34 गुना 19 करेंगे तो 34 गुना 19 कर लीजिए, 19 चौके 76 के 6 बाकी 7, 57 और 7 कितना हो जाएगा 64 प्लस 48 गुना 9 करेंगे तो 72 के 2 बाकी 7, 9 चौके 36 और 7 43 बटा 1 लिखे या नहीं 1102 जो भी 1102 है और माइनस ये आपका ये दोनों जोड़िए तो 628 हो जाएगा, 437 हो जाएगा और 6410 हो जाएगा। अब घटा दीजिए 12 में से 8 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, 10 में से 10 जाएगा 0 यानी कि 24 आपका आंसर आएगा। सिर्फ आपका सिंपलीफिकेशन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज से है और एज का हमने किरण बुक से भी सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, तो आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज बाय मनोज कुमार सर्च कीजिएगा तो आपका प्लेलिस्ट आ जाएगा और वहां से आप कंप्लीट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का टोटल जो क्वेश्चंस बनता है टाइप बनता है सभी हमने पूरा डीपली किया हुआ है, बेसिक थ्योरी और बुक का सोल्यूशन भी। देखिए क्वेश्चंस नंबर यहां पर 8, रोहित की आयु उसके पुत्र रितेश की आयु से 3 गुनी है। यहां पर लिख रहे हैं रोहित है और क्या है उसका पुत्र है जो रितेश है, रोहित है और रितेश है का मतलब होता है वर्तमान समय में दिया गया है कि रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है यानी कि उसका पुत्र रितेश की आयु अगर जो 1 वर्ष है तो रोहित की आयु 3 वर्ष होगा। इस प्रकार से 3 अनुपात 1 दिया है, 5 वर्ष पहले रोहित की आयु, 5 वर्ष पहले को माइनस 5 से डिनोट करेंगे, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना था, मतलब अगर जो उसका पुत्र 1 वर्ष का था तो रोहित का आयु कितना था 4 वर्ष था, या 5 वर्ष पहले की बात है तो रोहित की वर्तमान आयु बताइए, ये आपका क्वेश्चन है, रोहित की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं जब अलग अलग समय का अनुपात दिया रहता है तो अंतर को समान करते हैं, 3 और 1 का अंतर 2 है, 4 और 1 का अंतर 3 है, यहाँ पर अंतर को समान करेंगे तो यहाँ ये 3 से इसमें गुना कर देंगे और ये 2 से इसमें गुना कर देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा ये 3 3 9 अनुपात हो जाएगा, 1 3 3 ये हो जाएगा, 4 2 8 अनुपात 1 2 2। अब 9 3 का अंतर 6 समान हो गया, 8 2 का अंतर 6 समान हो गया। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान से 5 वर्ष पहले जा रहे हैं तो यहाँ पर अंतर आपका कितना का है तो 5 वर्ष का, और यहाँ देखिए आपको क्लियरली दिखना चाहिए 3 से 2 हो रहा है या 9 से 8 हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है या 3 से 2 हो रहा है, यानी कि 1 वर्ष की कमी हो रही है, यहाँ 5 वर्ष की कमी हो रही है, दैट मींस 1 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 5 वर्ष। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि रोहित की वर्तमान आयु बताइए, रोहित की वर्तमान आयु बताइए, तो रोहित की वर्तमान आयु कितना हुआ तो 9 यूनिट, यानी कि 9 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 रेशियो का 5 वर्ष तो 9 रेशियो का 45 वर्ष, यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस था जिसे हमने इस प्रकार से डायग्राम बनाकर लिखा है, तो यहाँ पर आपको सीडी का मान पूछ रहा है भाट का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका थ्योरम जानते होंगे कि PA into PB, यहाँ लिख भी देते हैं PA into PB, PA into PB बराबर क्या होता है PC into PD, इस प्रकार से PC into PD मार्कर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने ये तो आपको दिख रहा होगा कि PA into PB बराबर क्या लिखे हैं हमने PC into PD। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप सबका सिर्फ मान धरना यहाँ पर है, तो PA कितना है P से A की लंबाई तो 8.8 और 7.7 को जोड़िए, यहाँ पर हम लिख देते हैं PA कितना होगा, PA बराबर आपको दिख रहा है कि PB plus AB, PB plus AB इस प्रकार से आपका PA टोटल है, PB plus BA या AB भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर PA की लंबाई टोटल कितना हो जाएगा 7.2 plus 8.8,
तो जोड़ सकते हैं 8 2 10, 8 7 15 16, यानी कि 16। तो यहां पर लिख दिया हमने 16 गुना पीबी, पीबी कहने का मतलब 7.2, पीसी, पीसी कहने का मतलब ये दोनों का योगफल, यानी कि इसे हम अगर जो x मान लेते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा 6.4 इंटू पीडी, पीडी आपका 6.4 है। अब यहां से देखिए जो कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, सबसे पहले डेसिमल के बाद एकांक, डेसिमल के बाद एकांक है तो डेसिमल हटा देंगे, या बटा 10 भी कर दीजिएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, 16 चौके 64 और यहां पर से ये 18 चौके 72, तो 18 बराबर हो गया x प्लस 6.4, तो x बराबर हो जाएगा क्या, x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6.4, तो 18 में से इस प्रकार से 6.4 को घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 17 में से 6 जाएगा तो 11, यानी कि x का मान हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप रख सकते हैं 11.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया 11.6 सेंटीमीटर। देखिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन ले रहे हैं। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 4.86 वर्ग मीटर है, इसे 0.3 मीटर त्रिज्या के तार में पिघलाया जाता है, तो तार की लंबाई बताइए। तार क्या होता है, बेलन, तो घन से बेलन बन रहा है, दैट मींस घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो घन की पहले भुजा निकाल लीजिए, क्योंकि आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ 4.86 दिया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 4.86 कितना दिया है, 4.86 मीटर स्क्वायर में, इस प्रकार से है 4. कितना है 86, ठीक लिखे हमने। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, तो ये 4.86। यहां पर डेसिमल भी हटा सकते हैं तो बटा 100 हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये 6 से कैंसिल होगा तो कैंसिल कीजिए, 6 गुना लिखे थे हमने, कितना हो गया 486/6, तो 6 88 6 6 81/100 को लिख सकते हैं 0.81, या 81/100 ही रहने दीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर से a का मान कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 81/100, डेट मीन्स 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10, 9/10 ही रहने दीजिए, या 0.9 भी आप लिख सकते हैं, हम यही लेकर बनाते हैं। अब देखिए घन का आयतन बराबर क्या करेंगे, आपको बेलन का आयतन बराबर करना होगा, बेलन को ही यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तार, तो घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, इस प्रकार से। तो बेलन का आयतन में जो बेलन की ऊंचाई होता है वही तार की लंबाई होती है। तो यहाँ घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, आपको ये ऑलरेडी मालूम होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यही एच होता है जो आपका क्या होता है, तार की लंबाई हुई, यही एच हुआ जो तार की लंबाई हुई, और यही आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो ए का मान कितना है 9/10, तो 9/10 को हमने 3 बार लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर पाई का मान भी दे सकते हैं 3.14, या 22/7 ही रहने दीजिए। आर स्क्वायर, आर का मान आपके प्रश्न में दिया है कितना, त्रिज्या दिया है 0.3 मीटर का त्रिज्या है, तो 0.3 मीटर में ही है, तो 3/10 लिखेंगे तो मीटर में ही जाएगा, 3/10 मीटर गुना 3/10 मीटर, दो बार हमने लिखा एच, तो ये आपका एच आएगा जो किसमें आएगा, मीटर में आएगा, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। तो देखिए कैंसिल होता है 2 जीरो, तो 2 जीरो को कैंसिल किए, 3 3 9 से 1 9 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, इधर तो आपका 22/7 बचा, तो गुना कर लेंगे 9 9 81 81 81 7 81 7 कितना होगा, तो 1 7 60 और 8 7 56, 81 गुना 60 हमने किया है, तो 1 7 60 8 7 56, अब 22 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। तो इतना वाट, यानी कि एच का मान इतना होगा। अब जो भी डेसिमल में कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका इतना मीटर में है, ये क्या है आपका, मीटर में है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी गिफ्ट का क्रयमूल, दैट मींस किसी उपहार का क्रयमूल कॉस्ट प्राइस 950 रुपया है, यदि एक डीलर इस पर 35% की छूट देता है फिर भी उसे 30% का लाभ होता है, तो उस गिफ्ट का मार्क प्राइस अंकित मूल्य बताइए। क्वेश्चन को हम थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 950 रुपया, और मार्क प्राइस यानी कि एमपी आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि 30% लाभ है और 35% छूट है, 30% आपका लाभ है और कितना क्वेश्चन में है, 35% आपका छूट है, ये क्वेश्चन दिया गया है।
तो आपको इसका बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, सीपी रेशियो एमपी का। सीपी डेट मींस कहने का मतलब 100 माइनस डिस्काउंट का, 100 माइनस जो भी डिस्काउंट होता है उसका परसेंटेज, यानी कि, और रेशियो एमपी का मतलब होता है 100 प्लस जो भी प्रॉफिट है उसका परसेंटेज। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 35% है, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 35 और परसेंट, ये आपका प्रॉफिट कितना है तो 30%, यानी कि 100 प्लस 30। अब यहां से देखिए 100 माइनस 35 तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, यहां पर से इतना परसेंट 65%, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 30 तो 130%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 65 है कम 65, 65 दूनी 130, तो आपका कॉस्ट प्राइस रेशियो में एक है तो एमपी कितना है, मार्क प्राइस दो रेशियो में है। तो यहां पर प्रश्न में देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 950, दैट मींस आपके प्रश्न में एक रेशियो का वैल्यू कितना है 950, यहां पर से एक रेशियो का वैल्यू कितना है 950 रुपया, तो दो रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट मींस 950 में आप दो से गुना कर देंगे तो 0, 5 दुनी 10 की 0 बाकी 1, यहां पर से 9 दुनी 18 1 19, इस प्रकार से 1900 रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू कितना हुआ 950 रुपया, तो दो रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस प्रकार से भी बनाते होंगे सॉफ्ट वे में कि प्रश्न में दिया है कितना 950 रुपया और यहाँ कितना है कॉस्ट प्राइस 1, आपको निकालना है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 2 यूनिट, तो 2 से गुना कर देंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 1900 रुपया। ये आपका शॉर्ट अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए 12, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन है। दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 450 मीटर एवं 550 मीटर है, दोनों की गति क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो सेम डायरेक्शन में, डेट मीन समान दिशा में जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, समय पूछा जा रहा है। तो समय बराबर आपको पता है क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ पर सापेक्षिक चाल का यूज होगा। क्वेश्चंस में दूरी, तो यहाँ दोनों ट्रेन है तो दोनों का योगफल होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल 450 प्लस 550, ये आपका हो जाएगा टोटल आपका डिस्टेंस, इतना मीटर में है कि किलोमीटर में है, मीटर में है, बटा आगे क्वेश्चंस में चाल। तो चाल आपको पता होगा जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में होती है, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में होती है तो सापेक्षिक चाल जुड़ता है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में होता है तो सापेक्षिक चाल घटता है। तो यहाँ पर पहला कितना है 59 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला का चाल है 59 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 86 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा 86 माइनस 59, दैट मींस 16 में से 9 जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगा आपका सापेक्षिक चाल, ये आपने समझा। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 27 × 5/18 इस प्रकार से इतना आपका हो गया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर बटा सेकेंड लिखें। अब एक स्टेप और है, ये जोड़ दीजिए तो 400, 500, 900, 50, 50, 100, यानी कि पूरे 1000 हो गया और ये 18 ऊपर जाएगा, सेकेंड भी ऊपर जाएगा, यानी कि इस प्रकार से यहाँ देखिए क्वेश्चंस में 27 × 5 आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या गुना करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए 27 × 9 = 27, 9 से कैंसिल किया 9 × 27, 9 × 2 = 18 और ये 5 से कैंसिल होगा 200 + 1000, तो 2×2 = 400 बटा कितना हो गया 3, इतना सेकेंड आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन आपका पेरीमीटर एंड एरिया का है। एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर का है और इनका क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो आपको ट्रिपलेट में एक पता होगा, एक ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज का होता है क्या 7, 24 और 25, इसी का बेस्ट ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री है, इन दोनों में से कोई भी 7, 24 मान सकते हैं, इसे हमने 7 माना है तो इसे हमने 24 माना और ये आपका 30, 25 है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का अंतर, यानी कि 7 और 24 का अंतर आपके प्रश्न में कितना है, ये दोनों का अंतर कितना है 7 और 24 का अंतर, यानी कि 24 - 7 तो कितना है 17 है, और अंतर तो हो गया मतलब ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर आपके प्रश्न क्लियरली दिख रहा है कि 17 है। और देखिए क्षेत्रफल, अगर जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुना आधार 24 और गुना ऊंचाई कितना 7, इस प्रकार से होगा, तो 12×2 = 24 तो बढ़ सकते 84 आपका, यानी कि क्षेत्रफल भी हो रहा है 84, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जब हमने 7, 24, 25 को यूज किया तब।
यहाँ पर से, तो इसलिए आपका इसका परिमाप जिसे पेरीमीटर बोलते हैं या परिमिति भी बोलते हैं, परिमाप परिवर्त तीनों भुजाओं का योगफल मीन 7 + 24 + 25। तो यहां से देखिए इसे कैसे जोड़ते हैं, ये इसे एक यहाँ दे देते हैं, तो 25 तो जाएगा, ये 25 25 50 और ये 6 हो गया तो 56। ये आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर जो साइड का यूनिट होता है वही पेरीमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, ये तो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ नहीं रखा है। आपको पता होगा जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है वृत्त के अंदर में कोई दो आपका जीवा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है तो 6 गुना भाग बराबर क्या हो जाएगा 9 गुना 12 या 12 गुना 9 इस प्रकार से। तो यहाँ पर से कैंसिल कर सकते हैं 6 दुनी 12, तो भाग का मान कितना हो जाएगा 18। 12% प्रति वर्ष की दर से हाफ ईयरली रूप से अर्धवार्षिक रूप से जिसे छमाही बोलते हैं कितने समय में 12,50,00 रुपया 14,88,77 रुपया हो जाएगी, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन में रेट कितना दिया है 12% आपका एनम है यानी कि वार्षिक है और आपसे टाइम पूछा जा रहा है। और भी दिया गया है कि आपके प्रश्न में मूलधन कितना है 125,000 125,000 इतना रुपया और अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट दिया गया है आपको 148,877 इस प्रकार से दिया गया है, मतलब इस धन ये है। तो टाइम कितना होगा, ये क्वेश्चन आपका अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक को आप छमाही भी बोल सकते हैं, अर्धवार्षिक या छमाही, या इसे आप इंग्लिश में हाफ ईयरली भी बोल सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसे बना रहे हैं, रेट कितना दिया है 12%, तो जब छमाही रहता है तो रेट को आधा करते हैं, टाइम को क्या करते हैं डबल करते हैं, ऑलरेडी पहले से पता होगा, तो दर को आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6%, 6% का मतलब 6/100, 6/100 का मतलब कितना 3/50, डेट मीन 50 से हो रहा है 53, तो 50 से 53 हो रहा है तो ये आपको दिखना चाहिए 5 का क्यूब लग रहा है, मतलब ये वाला क्लियर 3 बार होगा यानी कि एक लास्ट स्टेप नीचे बढ़ा देते हैं यानी कि 50 का ये क्यूब होगा, नेक्स्ट स्टेप 50 से यानी कि मूलधन आपका 50 है तो मिश्रधन 53 हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप तो इसे 50 × 50 तीन बार करेंगे तो 53 × 53 भी 3 बार करना होगा, दैट मींस ये आपका हो जाएगा कितना 50 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 और 30 इस प्रकार से, इसका क्यूब करेंगे तो आपका यही आएगा 148,877। तो ये कब ऐसा हो रहा है जब यहाँ पर आपका टाइम यानी कि टी बराबर 3 वर्ष होता है तब, यानी कि टाइम 3 वर्ष रहता है तभी ये कंडीशन संभव है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है 3 वर्ष, टाइम हो रहा है 3 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष कब हो रहा है जब यहाँ हमने हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट लगाया, तो जब ईयरली रहता तो कितना होता टाइम इसका आधा होता, क्यों होता, क्योंकि यहाँ हमने कंडीशन लगा दिया था, तो अर्धवार्षिक में दर को आधा किए थे टाइम को दोगुना किए थे, तो जब एक्चुअल वास्तविक वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 से गुना कर रहे थे तो 2 से भाग देना होगा हमें, तो इसे 3/2 को बोलेंगे 1.5 वर्ष या 1 वर्ष 6 माह भी इसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका था कितना 15। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलेस ट्रायंगल का है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर 220 सेंटीमीटर है एवं असमान भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो समान भुजा की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर से ये आपका क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब इंग्लिश में से आप बोल सकते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें AB बराबर हमने माना है AC, AB बराबर AC मतलब AB और AC आपका क्या है, AB और AC आपका समान भुजा है, AB और AC क्या है समान भुजाएं हैं, और आपका BC है जो क्या है असमान भुजा, BC है जो असमान भुजा है। तो क्वेश्चंस में आपका असमान भुजा की लंबाई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, इसे हमने 40 मान लिया और ये दोनों को मान लिए कि ये x है ये भी x है, तो इसे जब हमने x माना तो ये x तो ये भी x होगा। प्रश्न में परिमाप कितना दिया है 220 सेंटीमीटर है या मीटर में भी रह सकता है, तो सेंटीमीटर में दिया है, तो परिमाप मतलब होता है सभी भुजा का योगफल, x + x + 40 बराबर कितना हो जाएगा 220, तो 2x बराबर 220 में से 40 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 180,
आपका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो गई 90, यानी कि ये भी 90 तो ये भी आपका 90, यानी कि समान भुजा की लंबाई कितना हो गई 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए 17, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन है। एक आदमी 5 दिनों में 1/6 काम करता है, जो बोला जा रहा है क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक आदमी ये है जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 दिनों में 1/6 काम करता है, यानी कि 1/6 काम 5 दिनों में करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 6/5 30 दिन में। ये पूरा काम कितना दिन में करता है, तो यहाँ पर लिख रहा है कितना 30 दिन। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है दूसरा आदमी है जो 15 दिनों में 1/4 काम करता है, यानी कि 1/4 काम 15 दिन में। तो पूरा काम मतलब एक काम करेगा 15 × 60 दिन में। बी है जो पूरा काम कितना दिनों में करता है, तो 60 दिनों में। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तो दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। दोनों मिलकर पूछ रहा है, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो यहाँ देखिए ये 30 दिन दिया है, ये 60 दिन दिया है, तो ये कितना दिन होगा। तो 30 60 का एलसीएम 60 होगा, ये 60 × 60 एक क्षमता से। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 60 यूनिट काम करना है 2 × 1 3 के क्षमता से, यानी कि 20 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 था। तो यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि उस पर हम जल्दी ही लाइव क्लास ले सकें।